तो मैं पीछे होटल में भी सुनता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा इस शो में इस पर आए। आप लोगों को सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2020 के में हरियाणा सरकार एक बोन्ड कम लोन पॉलिसी लेकर आई, जिस पॉलिसी का 2022 नवंबर दिसंबर महीने में पुरजोर विरोध हुआ था। PGMS रोहतक में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूरे राज्य के अंदर चारों पाँचों टावर में खड़े होकर 54 दिन तक हड़ताल चली थी और पॉलिसी में जो है उसके बाद सरकार ने हड़ताल की। लेकिन हम ये बात रखना चाहेंगे आपके आगे कि पॉलिसी में बदलावों के बावजूद ये पॉलिसी जो है ये हरियाणा प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की हित में है। अब मैं एक बिंदुवार आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इस पॉलिसी का जो आधार है वो एजुकेशन लोन है, जो IDBI बैंक हरियाणा सरकार डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के बीच में जो ट्राई जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है उसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो वो एजुकेशन लोन लिखा हुआ है। एक बात, जो पॉलिसी है सरकार की 21 दिसंबर 2022 को जो हड़ताल के बाद में आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अधिसूचित करवाई थी, उसका अगर आप पहले पेज पर ही देखेंगे बॉन्ड इन इज डिफाइंड एज एजुकेशन फीस, तो ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी का आधार एजुकेशन लोन है जो बच्चों के ऊपर जबरदस्ती डाला जा रहा है। पॉलिसी के अनुसार बच्चे का जब MBBS कोर्स कंप्लीट होगा तो IDBI बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है वो बच्चे के ऊपर 25 लाख रुपए मेल कैंडिडेट के केस में और 23 लाख रुपए फीमेल कैंडिडेट के केस में। एडेड कॉलेज जैसे जो महाराजा कृष्ण मेडिकल कॉलेज अग्रो है उसमें फिगर थोड़ी ज्यादा है, वो लोन बच्चे के नाम पर बैंक जारी कर देगा। हमें इस बिंदु से बिल्कुल जो है हम इसका विरोध करते हैं और ये बिंदु कहना चाहिए एजुकेशन लोन आधारित पॉलिसी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पॉलिसी जो है ये पूर्ण रूप से वापस होनी चाहिए। दूसरी बात कि हरियाणा सरकार का एक जो है नीति निर्देश है कि हमें हरेक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाना है, बहुत अच्छी बात है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाइए, स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा आप बनाइए, लेकिन उन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों की मेरिट इंश्योर करना भी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि कॉलेज तो हर जिले में खोल दिए और उसमें जो है एडमिशन लेंगे फिर जो है 300-300 नंबर वाले बच्चे, ये कहां की जायज बात है भाई। हरियाणा स्टेट हमेशा से ही अपने टॉपर बच्चों के लिए जाना गया है, आप जितनी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उठा के देख लीजिए हरियाणा ने हमेशा टॉपर दिए हैं, तो उन टॉपर्स को हरियाणा की मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने से जो है वंचित क्यों किया जा रहा है, ऐसी पॉलिसी क्यों ले आई जाती है कि वो बच्चे बाहर जाके अपना दाखिला। एक बच्चा आपको पता होगा इस बार नीट परीक्षा के ऊपर जो है कितना विवाद हुआ है, आप जानकर आपको हैरानी होगी कि PGIMS रोहतक के अंदर मेरे ख्याल से शायद 680 नंबर वाले बच्चे को लास्ट दाखिला मिला है। 680 नंबर क्या होते हैं, उस बच्चे को भी आकर जो है 25 लाख रुपए का लोन अपने नाम पर बोझ उठाना पड़ेगा। क्यों, उस बच्चे की क्या गलती है, उसने हरियाणा में जन्म लेके गलती कर दी, बस ये गलती है उसकी। तो एक मेरिट के आधार पे जो बच्चा आता है वो अपने ऊपर इतना बड़ा लोन क्यों सैंक्शन करवाएगा, हम ये पूछना चाहते हैं। खास करके जो एक महिला स्टूडेंट्स होती हैं, फीमेल जो स्टूडेंट्स होती हैं, हरियाणा स्टेट में जो है एक वो रहता है हर एक परिवार का कि भाई अपनी बेटी करके जितना पास वो पढ़ा सकते हैं सुनाएंगे, ये एक मानसिकता होती है खासकर ग्रामीण। इस पॉलिसी की वजह से उन बेटियों को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि वो पढ़ के नंबर तो ले आई लेकिन वो अपने ऊपर लोन नहीं करवाना चाहते। लोन क्यों किया जा रहा है उनके ऊपर, आपने ट्यूशन फीस इतनी बढ़ा रखी है वो हम दे रहे हैं, हम अपने ऊपर लोन क्यों एक्सेप्ट करें। दूसरी बात, अब अगर आप ये कह रहे हो कि आप सरकारी सेक्टर में जॉब करो, हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं ये चीज, लेकिन हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज केडर में क्या फैसिलिटी दे रखी है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की अभी एक हड़ताल हुई थी स्पेशलिस्ट केडर की मांग की गई, क्या वो स्पेशलिस्ट केडर सरकार ने दे दिया। भाई आप फैसिलिटीज ऐसी क्रिएट करो कि जो यहाँ से पास आउट होने वाले बच्चे हैं वो अपने आप हरियाणा स्टेट की हेल्थ सर्विसेज में काम करने के लिए अट्रैक्ट हो। ये नहीं है कि आप उनके ऊपर एजुकेशन लोन 30-30 लाख रुपए का डाल के उनको जो है वादा बनाओगे। कल को ये कह रहे हैं इस सिचुएशन में हम वापस दे देंगे, उस सिचुएशन में आपको देना पड़ेगा, इसमें हम पार्ट पेमेंट कर देंगे, इसमें इतने परसेंट दे देंगे। भाई मैंने जो है नीट की परीक्षा देख के हरियाणा में मैंने जन्म लेके गलती कर दी क्या, मैंने नीट की तैयारी करी, मैंने मैं कोटा गया, कोई दिल्ली गया, कोई कहीं गया, 5-5 साल तक बच्चे पढ़े, उसके बाद में जब वो हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए अपने कागज उठा के आते हैं तो कहते हैं ये लोन है, इतने का लोन सैंक्शन होगा, क्या गलती है उस बच्चे की। और एक बात हम ये रखना चाहेंगे कि जब 54 दिन की हड़ताल हमने पीछे की थी तो हमारे जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और जो है कांग्रेस हरियाणा के जो सुप्रीमो है आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो माननीय सांसद हैं, उन्होंने जो है ये बात आके सबके सामने रखी थी कि भाई कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में आती है तो हमें पॉलिसी वापस लेंगे। सरकार किसकी आती है ये तो जनमत पे निर्भर करता है, वो जिसकी भी आएगी हमारे लिए हमें उस बात से ज्यादा वो महत्व नहीं है,
हम उनकी घोषणा का बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए घोषणा की, लेकिन वो इसको याद रखें और इसको अमल में लाएं और पार्टी घोषणा पत्र में इसको शामिल करें। और ना केवल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हम सभी राजनीतिक दलों से आपके माध्यम से ये जो है पुरजोर अपील करते हैं कि 3,650 जो हैं बच्चे हैं हरियाणा स्टेट के अंदर MBBS के, जिन्होंने मेरिट के आधार पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है, 3,650 परिवारों की तरफ से जो है, और लाखों ऐसे बच्चे हरियाणा स्टेट के जो आज के दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम उनकी तरफ से ये बात रखते हैं कि हर एक राजनीतिक पार्टी हरियाणा की अपने घोषणा पत्र में ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रखे कि ये जो लोन पॉलिसी मेडिकल एजुकेशन विभाग की 21 दिसंबर 2022 की है, इस पॉलिसी को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। आगे अगर सरकार कोई सर्विस बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना चाहती है तो वो विद्यार्थियों के साथ बैठ के हम जो है बिल्कुल खुले उससे जो है बातचीत करने की तैयार है, लेकिन ये पॉलिसी बॉन्ड पॉलिसी नहीं, इसमें लोन है। लोन एक मेरिटोरियस बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो वापस होना चाहिए। और सभी से हमारा निवेदन है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी, जिनके नेतृत्व में ये पॉलिसी बनी थी और इसमें बदलाव हुए थे, वो आज केंद्रीय मंत्री, हम उनसे भी ये निवेदन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप इतनी महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन भविष्य है, मेडिकल एजुकेशन आज के समय हर एक जो है मेरिटोरियस बच्चा सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके आप जो है उसके लिए बाधा मत क्रिएट कीजिए, उसका पूरा राइट है। हरियाणा स्टेट की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो खानपुर हो चाहे वो मेवात हो, वो हरियाणा का डोमिसाइल है, उसका राइट है, आप उसका राइट इससे मत छीनिए। और युवाओं का जो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मेडिकल एजुकेशन का, मेरिटोरियस बच्चा लोन नहीं लेगा, ये पॉलिसी वापस होनी चाहिए।